हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि चाउ कैसे बनाया जाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये हमारा नूडल्स मेकर मशीन है। हमने सुबह में ही चाउमीन को बना लिए हैं। चाउमीन कैसे बना जाता है ये वीडियो आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाके देख सकते हैं। जो आप देख पा रहे हैं ये वीडियो क्लिप हमने पहले ही रिकॉर्ड करके रख लिए थे। देखिए किस तरह से नूडल्स निकाला जाता है। ये देखिए हमारा नूडल्स इस स्टीमर में चाउ बनाने के लिए स्टीम हो रहा है। दोस्तों, नूडल्स को स्टीम करने के लिए हमने कोयले के चूल्हे को इस्तेमाल किया है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे नूडल्स को मोड़ते कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं नूडल्स को किस तरह से मोड़ा जा रहा है। ध्यान से देखिए, आप भी नूडल्स को इस तरह से मोड़ सकते हैं। दोस्तों, इसी को ही चाउ कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चेम्बर है। देखिए किस तरह से हमारा चाउ सूख रहा है। इसे भी हमने कोयले के भट्टी से सुखाया हूँ। और ये देखिए हमारा चाउ अच्छी तरह से सूख गया है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से चाउ को सुखाने के लिए रैंक बनाया गया है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कर दें। ये चैनल आपका भी है, आप हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपके सामने इसी तरह का वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, इस वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से चैम्बर बनाया गया है। ये हमारा जाली है, इसी में ही चाउ को मोड़ के रखते हैं सुखाने के लिए। और ये हमारा चाउ का पैकिंग है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।